राधे राधे। और अभी हम हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है, तो आज के ब्लॉग को मैंने यहीं पे स्टार्ट किया राधा रानी का नाम लेते हुए। बोलो जय राधा रानी। ये देखो पीछे है, ये आपको गेट दिख रहा है जयपुर मंदिर का, और अभी हम चलेंगे इसके अंदर, देखते हैं कि ये कितना भव्य मंदिर है। ये बाहर से गेट देखने में ही लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा भव्य होगा। एंट्री हो चुकी है और ये देख सकते हो पीछे बहुत बड़ा गेट है, और सामने ठाकुर जी का मंदिर। और ऐसा बोला जाता है कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है, मतलब पुराना है मंदिर ये। और इस मंदिर में जितने भी पत्थर लगे हुए हैं, ये सारे पत्थर राजस्थान से आए थे। लाने के लिए स्पेशल इसके लिए ट्रेनें स्टेशनें लगी थी, यहाँ लोग रह भी सकते हैं, कुछ लोग रह भी रहे हैं, यू नो आप देख सकते हैं। चाला भी है, आप साइड में देख सकते हो, और बहुत सारे टूरिस्टर गाड़ी भी लगे हुए हैं बाहर में। तो अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे ठाकुर जी के, फिर राधे राधे का नाम लेके आगे बढ़ेंगे हम। और ये जो ब्लॉगिंग है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम ना मतलब ब्रज यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं, कई सारे ब्लॉग आएंगे, वीडियोस आएंगे, गौर से देखना सबको। ओके राधे राधे। कम श्रद्धालु आते हैं, इसलिए यहाँ पे भीड़ बहुत कम लगती है। ये सारे आप देख सकते हो, ये सारे पिलर्स हैं यहाँ के। अभी हम देखते हैं कि कहाँ जाना है। यू नो एक रमणीय स्थल ऐसा बोला जाए इसे, मतलब बेस्ट लगता है यहाँ आने के बाद। और एक सुगंध, मतलब एक अलग तरह का स्मेल भी आता है, वो देख सकते हो पीछे भी मंदिर है। यहाँ टोटल 3 मंदिर हैं और इसे जयपुर मंदिर बोला जाता है। तो अभी देखते हैं हम कहाँ की यात्रा प्रारंभ करते हैं। फिलहाल अब तो हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो था वो सारा चीज फिनिश हो चुका है। तो गाइज ये मैंने दर्शन करवाया बांके बिहारी जी का, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना। और कई सारे एपिसोड्स आएंगे हमारे, क्योंकि यू नो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं निकल पड़ा हूँ हर यात्रा पे, तो बहुत सारे मंदिर को विजिट करेंगे, बहुत सारे जगहों पर जाएंगे। तो ये जो एपिसोड है मेरा, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है और बहुत ज़्यादा स्नातनी होने वाला है, धार्मिक होने वाला है। इसे वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि आपके साथ साथ सभी लोग इस चीज़ का एंजॉय ले पाए। और अभी हम फ़िलहाल बाहर जा रहे हैं और देखते हैं कि अगला प्लान कहाँ का है।